फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख पाओगे, ये मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ पे पीडीएफ है। इस पीडीएफ में हर एक चीज का डिटेल दे रखा है। उस डिटेल से जो है हम कंप्लीट जो है इसकी प्रोडक्ट डिजाइन बनाएंगे, मॉडलिंग करेंगे, फिर उसको हम असेंबली करेंगे। इसके हिसाब से असेंबली करने के बाद इसकी हम एनिमेशन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहली वाली वीडियो नहीं दिखा, जिसने भी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा, वीडियो जाके देख ले। पहले वाला मैं यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इन तीनों पार्ट का जैसे है यहाँ पे डायमेंशन के हिसाब से मैंने मॉडलिंग कर रखा है, वो जाके देख ले। क्योंकि आज का जो पार्ट सेकंड पार्ट होने वाला है, सेकंड पार्ट में हम ये जो तीन पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट और यहाँ पे तीन पार्ट का आपको मैं मॉडलिंग सिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम इसकी असेंबली करेंगे। असेंबली करने के बाद इसको हम एनिमेशन करके दिखेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसने भी वीडियो वगैरह पहला वाला नहीं देखा, जाके देख ले और कंटिन्यूअस वीडियो देखे, क्योंकि बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे। इसका मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आपको डाउनलोड करके इस तरीके से यहाँ पे एज इट इज मेरा वीडियो देख के आप बना सकते हो। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखना है। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेरा मेंशन है, हर तरीके से क्लासेस वगैरह देता रहता है। जिसको भी और एडवांस लेवल में सीखना है, जैसे मोल्ड डिजाइन सीखना है, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन सीखना है, शीट मेटल डाई सीखना है, मोल्ड, उसका भी अलग अलग कोर्स है। मोल्ड डिजाइन में भी तीन तीन चैप्टर में कराता हूँ, एडवांस मोल्ड डिजाइन, ऑटो मोबाइल वगैरह भी सिखाते हो, प्रोडक्ट डिजाइन भी सिखाते हो, शीट मेटल डाई भी सिखाते हो, रिवर्स इंडिंग सिखाते हो, सीएनसी प्रोग्रामिंग हो गए, मोल्ड फ्लो एनालिसिस हो गया। तो हर तरीके से कोर्सेज अवेलेबल है, जाके आप नीचे मेंशन दे, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिसने भी मेरा ये वाला चैनल नहीं देखा, चैनल जाके देख ले, क्योंकि ये जो चैनल है, इस वीडियो में रेगुलर वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे 21,000 के सब्सक्राइबर है, तो इसमें मैं रेगुलर वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। पहले जाके ये वाला भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो में मेंबरशिप वगैरह की आपको फैसिलिटी मिलेंगे, बहुत सारा चीजें हैं। आप एक बार जाके इसको देख लो, क्योंकि इस वीडियो में रेगुलर वगैरह वीडियो डालते रहता हूँ, और जो भी चीजें कराता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से कराता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप देखो, अगर किसी को लाइव प्रोजेक्ट सीखना है, लाइव मोल्ड डिजाइन सीखना है, लाइव टूल डिजाइन सीखना है, क्योंकि यहाँ पे देख पाओगे फोटो के साथ डालता हूँ, तो सारा चीजें यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, जो लास्ट क्लास थे, तो लास्ट क्लास में हमने जो इसकी मोटर बनाए थे, जो रोटर है हम उसको बनाए थे। आज का जो हम पोर्शन है, हम इसमें मोटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू स्केच ले लेंगे, ठीक है। आई होप आपको लास्ट क्लास जो है आपको अच्छा लगा, जो इसमें हमने कोशिश करा कि आपको सारा चीजें समझा पाओ, ठीक है। तो आज का जो पोर्शन है हम ये वाला बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ड्राइंग समझने वाली बात यह है, ड्राइंग में इसको समझो, थोड़ा सा टिपिकल है समझने के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन जो है इस फेस से स्टार्ट हो रही है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से एक डिस्टेंस में स्टार्ट हो रही है। तो आपको सबसे पहले कौन सा बनाना है, हम अगर बात करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे, तो हम सबसे पहले बनाते हैं ये वाला पोर्शन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसकी मास्टर है। इसके बाद जो है हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, सर्कल वाला पोर्शन बना देंगे, उसके बाद हम ये पोर्शन बना सकते हैं, फिर हम ये बना सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको कैसे बनाना सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एक चीज और दिखा देते, जैसे यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो हल्का सा रेडियस का यूज कर रखा है। तो कहीं पे कुछ चीजें जो है फोटो से अलग है, बनाने में अलग है, लेकिन है तो सही है, सीखने के लिए बहुत सही है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला पोर्शन पहले बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं, होम में जाएंगे, एक्सट्रूड में जाएंगे, स्केच ले लेंगे, परफेक्ट। सबसे पहला जो है ये 10 का है आपका, यहाँ पे 10 mm आपको बनाना है, 10 डायमीटर का है। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, बहुत ही सही है, डायमीटर देना सही है। और छोटा वाला जो है, ये जो है आपका 6 का डायमीटर का है, ठीक है, 6 का डायमीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो होल्स है, बीसीडी, 8 BCD में होल्स है, तो इसके लिए हम बाद में करते हैं, इसको पहले थिकनेस देते हैं। ये इसका थिकनेस जो होगा 0.5 का है, 0.5 का, ये मुझे कहाँ मिला, ये मुझे मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसको जो है उस डायरेक्शन में देंगे, ठीक है। अब इसके साथ 0.75 का बीसीडी का एक मुझे वो बनानी है, स्केच बनाना है। तो स्केच बना दिए, स्केच में हम जो है एक सर्कल लेंगे, सर्कल का कितना है 8, मतलब 8 का डायमीटर का सर्कल दे रखा है, 8 बेस सर्कल डायमीटर 8 BCD में है, ठीक है। यहाँ पे 3 होल्स है, 3 होल्स को एक जो है सबसे नीचे है, तो हमको सबसे नीचे वाला यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये शो नहीं होगा, तो आपको ये क्वाड्रेंट को शो कर लेना, ठीक है, हम इसको शो कर लेंगे, क्लियर है, शो कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे करना ये है आपको, इनको हम कर देंगे एरे, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम जो है पॉइंट है, हम इसको थ्री कर लेंगे, चार के जगह इसको थ्री कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे ये बन गया आपका। अब ये जो लाइन है, इसको हम
कॉन्वर्ट टू रेफरेंस लेंथ कर लेंगे आपका आगे। इसके बाद हम होल सीरीज पे जाएंगे, होल के जाने के बाद यहाँ पे कितने का होल दे रखा है 0.75 का, तो हम यहाँ पे 0.75 का हम होल ले लेंगे और एक दो तीन तीन होल लगानी है 0.75 डायमीटर का, ठीक है 0.75 डायमीटर थ्री होल। तो ये आपका होल जो है इधर से हो गया है, ठीक है। इसको हम 100 लेयर पे डाल के कंट्रोल एल करके इसको हम हाइड कर लेंगे, ठीक है। अब आपने वो क्या बनानी है, इधर से आपको ये सर्कल बनानी है, ये सर्कल बनानी है। तो हम ये वाला स्केच लेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ से हमने स्केच लिए थे, अब ये वाला पीछे वाला लेना पड़ेगा, आपको गलती मत कर देना। सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ये देखो गलती हो गया, क्यों गलती हो गया, जैसे सर्कल बनाऊंगा नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें नहीं होना चाहिए। इसका जो डायमीटर है ये तीन का डायमीटर है, तो मैं यहाँ पे 6 पे डालूंगा, ये देखो ये तीन का डायमीटर है, ठीक है कहाँ पे है ये तीन का है, ये तीन का है। और यहाँ पे भी मैं अगर बात करूंगा जैसे मैंने इसका 6 का बनाया था, तो ये जो है 6 का डायमीटर का है, तो ये डायमीटर टू डायमीटर ये मैच आउट हो जाएगा, है ना। ये तीन का है सेंटर से, और यहाँ पे हम इसको हल्का सा अगर इसको खींच लेते हैं ना, इधर की तरफ खींच लेते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा ये आपका जो है 1.5 का होल है, ठीक है। और इनके जो है 6 का है अंदर वाला, और जो ये वाला है ये वाला आपको कितने का मिलेगा 6 का है, और यहाँ पे इसका डायमेंशन मुझे चाहिए, इसका डायमेंशन मुझे कितना मिलेंगे 6, ऊपर तक 6 है, यहाँ पे 3.35 का है। तो ये यहाँ पे जो ये डायमेंशन हमने लिया है ये जो है आपको गलत है, मतलब क्यों, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है 3.5 है, तो ये आपका 7 का बनेगा, ठीक है 7 का बनाना है। 7 के बनाने से बाद ये एक्सट्रूड होगा, कितना एमएम एक्सट्रूड होगा, यहाँ से ये एक्सट्रूड होगा कुछ 0.5 है, 8.75 का एक्सट्रूड होगा ये आपका। कैसे मिला मुझे 8.75, देखो ये जो सर्कल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 8.25 यहाँ तक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला कितना है 8.25, फिर यहाँ से क्या है 0.5 का है ये थिकनेस है ना, 0.5 थिकनेस किधर है, यहाँ से कहाँ तक है, ये जो 0.5 का है तो ये कितना हो जाएगा 9. ये प्लस 0.25 हो जाएगा, और प्लस 0.25 है, क्यों देखो यहाँ पे प्लस करना होगा आपको प्लस, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इसको मैं समझा देता हूँ आपका, टोटल कितना है यहाँ से, टोटल 9 mm है, ठीक है 9 माइनस 8.25 माइनस 8.25 कितना हो गया 0.75, 0.75 में से ये 0.25, मतलब इन दोनों का गैप जो है माइनस 0.5 कितना हो गया 0.25, तो ये 0.25 इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा 0.25 इसलिए मैंने ऐड करा यहाँ पे, क्लियर है, क्लियर है ना। और इसको मैं होल करेंगे, अभी इसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐड करना है इसलिए तो मैं होल नहीं कर रहा, ठीक है यहाँ पे होल भी है, होल कैसे करना है बताऊंगा अभी आपको। तो ये कितना हो जाएगा आर पार हो जाएगा, क्लियर मेरी दोस्त। अब दोस्तों यहाँ पे ये करना है, यहाँ से जो आपको स्केच लेना है, देखो आपको यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात कुछ है नहीं, अगर इसको आप एक्सट्रूड को 9 mm भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप मान लो सेलेक्ट से मैं 9 mm कर देता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं आपको, कोई टेंशन नहीं लेने वाला है। तो यहाँ पे हम मान लो यहाँ से बना रहा हूँ मैं 9 mm कर दे रहा हूँ, ठीक है 9 mm क्यों करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेल कर दूंगा 0.5 का, ठीक है। तो यहाँ उसकी टेंशन नहीं ना लो कैसे बनाना है क्या बनाना है, तो मैं 9 mm कर दिया। अब इनके बाद मैं यहाँ से स्केच ले रहा हूँ, ठीक है स्केच ले रहा हूँ। अब देखो स्केच कैसा है, उल्टा करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पे जो होल है ना ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे होल ऐसा है ना। अब हम क्या करेंगे, इनके रेफरेंस में सर्कल बना देते हैं, बना लिया। अब यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं हम, यहाँ पे एक लाइन की कर्व बनाते हैं, ठीक है। लाइन का कर्व जो होगा ये आपका 12 mm का होगा, सॉरी इसको हम 12 mm कर देते हैं, 12 mm, और इनकी सेंटर टू सेंटर मैच आउट कर देते हैं, इसकी सेंटर और आपका इसके सेंटर मैच आउट कर दिया मैंने सेंटर टू सेंटर, इनके डिस्टेंस जो है 6. कितना है 6.75 का है, ठीक है 6.75 ये रहा 6.75। उनके बाद एक लाइन लेना है, ये जो लाइन है इनके साथ टेंजेंट कर देना है, टेंजेंट, और इनके भी लेने के बाद इसके बाद इनके बाद टेंजेंट कर देना है। अब टेंजेंट टेंजेंट हो गया, अब देखो यहाँ पे काम तो मेरा बन गया है, ठीक है। अब इसको जो है मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कौन सा, ये पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन है, और ये कितने mm जाएगा पीछे से
6.5 mm जाएगा, ठीक है, पीछे से जाएगा ये 6.5 mm, कितना है 6.5 mm जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है, इन दोनों को यूनिट कर लेना है पहले, कर दिया यूनिट दोनों को पहले। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम इसको होल करेंगे, कितना एमएम होल करना है यहाँ पे, इसको कितना एमएम काट करना है, देखो काट करना है सही सामने से 6 mm का काट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे जाऊंगा, जाने की बात यहाँ पे 6 mm का काट कर दूंगा, 6 mm का हो गया। 6 mm का कितना एमएम काट करना है, अब देखो 6 mm का मुझे काट करना है, कितना एमएम काट करना है, और ये मैं किधर से ले रहा हूँ, ये मैं पीछे से ले रहा हूँ, ठीक है। कितना एमएम काट करना है, पीछे से कितना एमएम गैप रहना चाहिए, बस पीछे से इतना एमएम गैप रहना चाहिए। यहाँ से लूंगा मैं 9 mm का, 9 mm मतलब ये गैप 0.5, तो हम करेंगे इसको 8.5 का, ये जो 0.5 गैप है ना एक काटिंग करने के लिए, इसको हम सबट्रैक्ट का ऑप्शन डाल देंगे, सबट्रैक्ट, इनको सिलेक्ट करके ओके कर दो, देखो ये वाला काट आउट हो गया। यहाँ पे छोटा सा सर्कल है 1.5 का, इसको भी हम काट आउट कर लेते हैं। आप सबट्रैक्ट का यूज जो है जो आपकी एक्सट्रूड कमांड है इसके अंदर ही कर सकते हो, डायमीटर 1.5 का है, 1.5 ये रहा 1.5, इसको हम काट आउट करके, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन कट आउट, ये आपका ये देखो ये आपको बन के आ गया, बन के आ गया ना। अब अपने को कौन से वाले पर्सन बनाना है, अब हमें जो है ऊपर वाला पर्सन बनाना है, ठीक है, ये हमको बनाना है कौन सा वाला पर्सन, ऊपर वाला पर्सन बनाना है। एक बार सही से देख लो कहीं पे, इस तरीके से देख लो, ऐसा था ना यहाँ, इस तरीके से था, देखो यहाँ पे गैप है, टोटल 9 mm होना चाहिए, तो आप अगर जाके देखना है तो एनालिसिस करके आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा फेस से, ये फेस से ये फेस तक कितना है 9 mm है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अगर मैं आपको वायर फ्रेम व्यू में दिखाऊं, देखो ये वायर फ्रेम व्यू में आपका ये डॉट 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 सा है, अंदर है ये कटआउट है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। अब अपना जो दूसरा पर्सन आता है, ये जो बनेगा आपका कितना बनेगा, ये जो एक्सट्रूड हो रखा है कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 8.25 है, और यहाँ पे जो है इसको माइनस करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केच बनाते हैं, स्केच, ठीक है, तो स्केच को भाई ऊपर से बनाना, तो इसको घुमा देना, एक लाइन बनाते हैं, देख हम लाइन बनाते हैं, ऐसे कुछ लाइन बनाया। अब लाइन को मैं सेंटर अप कर दूंगा, इसकी सेंटर और इनकी सेंटर सेम हो गया। अब लाइन का जो थिकनेस है 6 mm का है, ठीक है, 6 mm का है, और ये लाइन जो है इधर से भी 6 mm डिस्टेंस में, सेंटर से भी, ठीक है, सेंटर से भी 6 mm डिस्टेंस में है। इनके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोफाइल ले लेंगे, ठीक है, प्रोफाइल लेने के बाद यहाँ से हम जाएंगे कितने mm का है, देखो यहाँ पे डिटेलिंग दे रखा है इसका, बाहर ये जो है आपका इस डायमेंशन जाना है, डायमेंशन के जाने के बाद इसकी कितना लेंथ हो रखा है, ये आपका जो है 0.45 इस तरीके से इसको मतलब बना रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे ना 0.45 ये भी 0.45, तो दोनों मिला कितना बन के आ रहा है, 0.5 पे 9 बन के आ रहा है, तो मतलब 0.5 इनका है, 0.45 इतना है, 0.45 इतना है, 0.45 कितने का बनेगा, 9 का बनेगा, तो बात समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपको ये ले आना है, कितने बार ले आना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक को थोड़ी ना बार बार बनाएंगे, पैटर्न करेंगे ना हम, कनेक्टेड कार्प को जगह सिंगल कार्प कर दो, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर कर दो, रेक्टेंगुलर करने के बाद ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है ये नीचे वाला डायरेक्शन, सॉरी ये वाला डायरेक्शन ले लो, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होंगे ना 0.9 का डिस्टेंस होंगे, सॉरी 4 का है, और यहाँ पे 0.9 का है, तो 0.9 में टच हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया, इधर पे खत्म होने के बाद कितना बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला है ये डायमेंशन बड़ा देना है, मतलब इसको बड़ा कर देना था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनको ट्रिम करेंगे, इनको ट्रिम करेंगे, इनको ट्रिम करेंगे, कर दिया।
अब ये जो स्केच है, स्केच के साथ देखो 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 ध्यान से, ये जो स्केच है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, ये वाला बस इतना कर दिया प्रोजेक्ट। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये बाहर निकल के आ गया, तो इसको काटना पड़ेगा ना, और इसको जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी देखो ये लंबा है इससे, है ना, यहाँ पे हल्का सा काट हो रखा है। फिर क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। मिरर में हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन का यूज कर लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। मिरर इसको भी हम डी सिलेक्ट कर लेते हैं सर्कल को, फिर ये जो है मिरर हो जाएगा आपका, मिरर हो गया। अब यहाँ पे इसको कटआउट कर देना है, इसको भी कटआउट कर देना है, कर दिया हमने, ये वाला कटआउट हमने कर दिया है। अब जो है ये जो रोटर है, रोटर को आपको एक्सट्रूड कर लेना है, जो मोटर है मोटर का जो ऊपर का पोर्शन है इसको एक्सट्रूड कर देना है। कितना में एक्सट्रूड करना है, देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो यहाँ पे 8.5 जो है यहाँ तक है, 8.5 से हम करेंगे यहाँ पे 8.5। देखो टोटल 9 mm है, 9 mm है, 9 mm टोटल है, माइनस यहाँ पे 0.5, -0.5 कितना हो गया 8.5। 8.5 में तो पूरा 8.5 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसको आपको काटना पड़ेगा यहाँ पे, कितने कितने का देना है ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो 9 - 0.5, तो 0.5 में से हम अगर 9 करते हैं तो कितना रहता है आपका, यहाँ पे देखो ना ये चीजें, तो आपको इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, 9 - 0.5 कितना हो गया 8.5। तो 8.5 के साथ यहाँ पे 8.25 है यहाँ तक, कहाँ तक है इसमें, तो -0.25, तो आपको कितना हो जाएगा 8.25 जो है आपको एक्सट्रूड करना होगा, है ना। 8.5 कहाँ तक दे रखा है, ये वाला लाइन तक, तो यहाँ पे 8 का एक्सट्रूड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 8 का, ठीक है, क्योंकि 8.25 इधर है आपका और यहाँ पे 8.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तो हम इसको 8 का कर देंगे, ठीक है। तो देखो आगे से आपका ये बन गया है ना, बन गया कि नहीं, और यहां से कितना एमएम है इसको एक बार डिस्टेंस को देख लेना, यहां से यहां तक कितना है 1 mm का है, तो यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, और यहाँ पे 0.5 है। लेकिन ध्यान से दिखने वाली बात है, ये जो कटआउट हो ना, ये कटआउट है, ये जो देखो डॉट 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 लाइन है, ये 8.25 का है, तो आपको 8.25 करोगे ना, तो ये तो है इधर आएगा आपका, मतलब ये तो इधर है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे टाइमर से नहीं दे रखा है, ये जो कार्व देखोगे यहाँ तक है, इस लाइन तक है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, तो यहाँ पे क्या हम 0.5 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 8.25 का नहीं आएंगे, तो यहाँ पे 9 है, तो सीधी सी बात है 9 है, यहाँ पे 0.5 माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 8.5 हो गया, 8.5 में से 0.5 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 mm का रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप जैन से देखोगे जो ये कार्व है, ये कार्व जो है यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है, तो हमको 1 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक बन गया है, तो यहाँ पे कोई चीज देखना है तो आप देख सकते हो, तो सारा चीज यहाँ पे बन गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, मोटर, मोटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात और ये है, जैसे आप ये बना रहे हो, अगर बोलते हो सर इसको तो हम 8.2 रखेंगे, तो आप 8.25 भी रख सकते हो, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो एक कार्व जो है, ये कार्व जो है आगे निकल के आया है, तो यहाँ तक आ गया, मेरे हिसाब से ये कार्व यहाँ तक होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इसका डायमेंशनिंग आप दे रखे हो, यहाँ पे ये जो डायमेंशनिंग है आपने दे रखे हो, मतलब मेरे बोलने का तरीका आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे इसका थिकनेस दे रखे हो, ये जो डॉट डॉट लाइन है यहाँ पे इसको 0.5 दिखाने के लिए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 8.5 तक होना चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशन जो है यहाँ तक दे रखा है। तो मेरे हिसाब से इसको जो आपने एक्सक्लूड करा है, इसको जो आपने एक्सक्लूड करा है, इसको हम 8.25 कर देते हैं। क्यों 8.25 क्यों करा हमने, मैं इसका रीजन समझा देता हूँ। रुको मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। तो आप ध्यान से इसमें देखोगे जो ये कार्व है, ये डबल कार्व रखा है यहाँ पे, देखो जूम आउट करने में पता लगेगा आपको, देखो ये जो डबल कार्व रखा है, जो 0.5 है ये वाला कार्व है यहाँ तक है, और ये 8.25 जो है यहाँ तक है, ये वाला कार्व है। तो यहाँ पे आप जूम नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा आपको कि नहीं ये तो सही है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 8.25 का लेना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो 3, ठीक है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका बन गया है। अब हम नेक्स्ट
आइटम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है मेरा, ये तो थोड़ा सा सिंपल है, दो आइटम रह गए अपने पास और जो है उसके बाद हम इसकी असेंबली करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नया हम पार्ट ले लेते हैं। अगर आप नया हो तो जरूर ये सब चीजें प्रैक्टिस कर लेना, आपका बहुत सारा आपका हार्ड शार्प कर बनेंगे, बहुत कुछ चीजें आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करो इसको सही से बनाओ और करो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अगेन यहाँ पे जाएंगे, स्केच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए। इसको अगर हम रिवॉल्व से बनाएंगे तो ये सही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो एक सर एरो रखा है, तो आपको ये वाला पोर्शन को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्व से बनाएंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, वैसे कुछ इसको सी कर लेंगे, सी करने के बाद ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट डाउन रहेगा, ठीक है, हो गया एक लेवल पे। इनके बाद एक सेंटर लाइन होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सेंटर लाइन हो गया, इसको हम रेफरेंस सेंटर लाइन कर देते हैं। और इसका जो डायमेंशन होंगे कुछ होगा आपका 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, ये 2.5 है, और ये डायमेंशन को ऐसे कर देते हैं 2.5, और यहाँ पे डायमेंशन को यहाँ ले आओ, इसका डायमेंशन को इधर ले आओ, ठीक है, बराबर मत करना। यहाँ से यहाँ पे जो डायमेंशन है 7 mm का है, ठीक है भाई, 7 mm का हम दे देते हैं। तो यहाँ से इसका डायमेंशन है 7 mm हो जाएगा, मतलब 3.5 का हो जाएगा, ठीक है, तो 3.5 का हो गया, ठीक है, हो गया 3.5। यहाँ पे देखो 3.5 जो है 7 mm है, तो डायमीटर है, तो आधा हो जाएगा, 2.5 आधा हो जाएगा। इनके बाद यहाँ से इसकी 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक स्केच लेते हैं, स्केच लेंगे कि रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल ले लेते हैं, चलो रेक्टेंगल ले लिया मैंने। अब जो रेक्टेंगल है इसकी थिकनेस देखना है भाई, तो थिकनेस कितने का है, यहाँ पे इसका थिकनेस और इनका थिकनेस 0.25 का है, तो हम इसको क्या करेंगे 0.25 का, लेकिन इधर भी 0.25 होगा, 0.25 का थिकनेस है, मतलब यहाँ पे भी 0.25 है, ओवरऑल थिकनेस है ना ये तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि आप एक में दे दोगे, तो ओवरऑल थिकनेस है ना। यहाँ इसको हम काटेंगे, इसको हम काट देते हैं, काट दिए। अब इनके बाद रेडियस डालना है, एक का रेडियस डालना है, तो हम यहाँ पे इनके बीच में एक का रेडियस डाल देते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको एक का डालना है, डाल दिए। अब ये पोर्शन जो है आपका काम का है नहीं, ये हम जो है क्विक ट्रिम कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक का रेडियस डाल दिया। अब देखो एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने एक का रेडियस यूज कर रहा है, क्या ये सही है, क्या यह सही इन द सेंस, देखो यहाँ पे एक का रेडियस डालना है तो यहाँ पे ऑफसेट करते हो एक का, तो ये एक का 0.5 का, ठीक है, और 0.25 है, तो 0.25 में हम इसको अगर 0.25 ऑफसेट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सही है, क्योंकि ये थिकन है ना, इक्वल थिकन होगा, तो आप ये गलती मत कर देना, ठीक है। मैंने आपको, अगर मैं ऑफसेट इसको अगर मैं ये करके रेडियस करके दूंगा, कभी भी इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम नहीं होता है। अगर आप लोग नया हो तो ये चीज आप पहले से ध्यान रख लो, कभी भी इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस सेम नहीं होता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप कभी भी एक मत डालना, मतलब एक कर मत देना, तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर कॉन्स्टेंट हो गया आपका, तो ओवर कॉन्स्टेंट के लिए हम कोई भी एक जो चीजें है इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, लक्ष्य मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, वैसे इससे फर्क कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मेरा यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बन तो गया है, लेकिन इसके साथ कुछ और है जो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली है क्या, इसके लिए आपको यहाँ पे एक जो है सर्कल बनाना पड़ेगा, ये इसके साथ हम इसको भी बना लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से एक जो है स्केच लेता हूँ, लेने के बाद इनकी जो डिस्टेंस है जो यहाँ पे देखो 2.5 डायमीटर का है, तो यहाँ पे इनको करते हैं बस, इनको कितना है 2.5, राइट, तो 2.5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5/2 कर दो, सीधा सीधी सी बंदा है। और इनकी जो थिकनेस है, जैसे ये इंटरनल है 1.5 का है, तो इंटरनल जो है 1.5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 1.5/2 कर देंगे इसको भी, ठीक है, बन गया। अब देखो यहाँ पे ये काम हो गया आपका, तो यहाँ से हम इसको ट्रिम आउट कर देते हैं, ठीक है, ये वाला पर्सन को ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कर दिया इसको,
इसको भी ट्रिम कर देते हैं, और इनके बाद ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एक्सटेंड करके इनको भी ट्रिम आउट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे कहीं हल्का सा रेडियस है, यहाँ पे कितने का रेडियस है लिखोगे ध्यान से, 0.2 का रेडियस है, तो हम यहाँ पे रेडियस भी चलो डाल देते हैं, 0.2 का रेडियस है, तो रेडियस डाल दिया हमने, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद ये जो स्केच है, इस स्केच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कार्व रह गया, अब इसको कार्व को हमको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस केस में अगर ऐसा चीजें होता है आपके साथ, तो यहाँ पे इस वाली को ऑन करके यहाँ पे आना है ना, आने के बाद यहाँ पे रीजन बाउंड्री ले लो। रीजन बाउंड्री में कार्व जो है आपको ये वाला लेना है, पॉइंट जो है आपको सेंटर पॉइंट ले लेना, ये वाला पॉइंट ले लेना। ओके, यहाँ पे कार्व ये सिलेक्ट हो रखा है, इसको डिसलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाके रीजन बाउंड्री हम ये ले लेंगे। क्लियर आ गया? ठीक है, तो मैंने देखो, मैंने इसको एक्सट्रूड से भी बना सकता था, मैंने इसको सेल करके भी बना सकता था। तो पहले केस में आपको सेल करके बनाया, फिर दूसरे केस में आपको रिवॉल्व करके बनाया, फिर तीसरी केस जो था मैं आपको इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोशिश ये करा कि तीनों तरीके से मैं आपको बताऊँ। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको करना क्या है, एक तो स्केच लेना है, फिर लेंगे कौन सा वाला पर्सन बना रहा हूँ, ये वाला पर्सन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैं सर्कल दे रहा हूँ। ठीक है, सर्कल का जो यहाँ पे डायमीटर होगा 0.75 रेडियस का है, 0.75 रेडियस कर देंगे, ये डायमीटर हो जाएगा। और छोटा वाला का कितना हो जाएगा, डायमीटर 0.75 है, 0.75 इसका डायमीटर ही है। अब इनके बाद इसकी जो क्षेत्र का डिस्टेंस है 8.5 का भी सीधी है, 8.5 की सीधी है, 8.5 है ना, 8.5 बी सी डी है। यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे हल्का सा गैप है 0.0 करना। ठीक है, इनके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लूंगा ये वाले कार को। ठीक है, और फिर लाइन लेने के बाद इसको हम वर्टिकल कर देते हैं, वर्टिकल कर दिया। अब जो है आपको क्या करना है, ट्रिम कर देना है, ट्रिम 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 ट्रिम। ठीक है, ट्रिम ट्रिम हो गया। अब इनको कितना एक्सक्लूड कर देना है, 0.5 का, 0.5 का एक्सक्लूड कर देना है, रिवर्स डायरेक्शन 0.5 का एक्सक्लूड। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, 0.5 का एक्सक्लूड कर देना है। इनके बाद इनको हम कर देंगे पैटर्न। ठीक है, पैटर्न हम इनका पैटर्न करेंगे सर्कुलर, सेंटर जो है आपका ये वाला हो जाएगा। डन, यूनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बन गया आपका। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पर्सन है ना, ऐसे हमको काट करना है, ऐसे काट करना है। तो ये काट है ना इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसको इस तरीके से करके ही काट कर लेना, ये गलती मत कर देना। ठीक है, अब देखो, अब हमको इसमें क्या करना है, एक्सट्रूड काट करना है। तो यहाँ पे स्केच लूंगा भाई, 90 है ये तो ले सकता हूँ मैं, क्रोम घुमा देता हूँ आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये जो स्केच है, स्केच मेरे को दिक्कत कर रहा है ना, इसको मैं 100 नंबर लेयर पे डाल दूंगा और कंट्रोल एल करके इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक आपको रेक्टेंगल बनाना है, सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, फ्रॉम सेंटर इस तरीके से एक रेक्टेंगल है मेरा। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जो थिकनेस है कितने का है, कितने का थिकनेस है, ये है आपका 0.35 का, 0.35 का रेक्टेंगल का थिकनेस है, परफेक्ट। अब इसकी जो हाइट है कितने mm है, 4 mm का हाइट है। यहाँ पे हम आते हैं इसको 4 mm कर देने के लिए, कर दिया। पर साइड क्या हो रखा है, रेडियस डाल रखा है इसने पर साइड का। अब पर साइड का क्या रेडियस डाल रखा है कुछ पता नहीं, 0.35 है तो इसका ऑब्वियसली आधा होगा, कितना है, 0.35/2। ठीक है, ठीक है,
1.35/2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद ट्रिम कर दो इसको, और यहाँ पे भी ये लाइन जो निकल के आए इसको ट्रिम कर दो आप। कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब इनको जो है गैप बनानी है, एक की बेस के दूसरे वीक के 0.60 गैप है, 0.60 गैप है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरे करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन ले लो, यहाँ इस डायरेक्शन में ले आते हैं 0.6 का, कितना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसको छोड़ के 3 चाहिए, 4 के जगह मैं इसको 4 कर दूंगा मैं, 1, 2, 3 आ गया यहाँ पे, आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद ये लाइन लेके इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दो, आ गया आपका। अब इनके बाद दोस्तों देखो, यहाँ पे ये जो काटना है ना, इसको जो काटना है, इसको काटने के लिए हम प्रोजेक्ट करेंगे, ये लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जैसे कॉन्स्टेंट होता है ना, तो एक को काट दोगे ना, गलती करके दिखा देता हूँ फिर आपको समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो रखा है, जैसे मैं मान लो इनको ट्रिम कर दूंगा, तो ये देखो पूरा ट्रिम हो जा सकता है ना, तो यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर देंगे, देखो पूरा चला गया ट्रिम, पूरा चला गया ना। तो इसको ठीक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, ये जो कॉन्स्टेंट वाला लाइन है ना, इसको डिलीट कर दो कॉन्स्टेंट वाले को, यस। लेकिन ये इसके जो ये कॉन्स्टेंट वाला पॉइंट है ना, इसको आप डिलीट कर दो, अब आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लो, हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये तरीका यूज कर लेना आप भी, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो। अब ये हो गया, काट करना है आपको, है ना, ये जो काट करना है आपको, तो यहाँ पे ये वाला लाइन को भी ले लो ना, लाइन को लेने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कितना है, 5 mm, ये 1 mm इधर है ना, माइनस 1 mm डाउन, क्योंकि यहाँ पे कार्ब में है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। आपने गलती से यहाँ पे ये वाला स्केच को भी क्यों सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये वाला स्केच आपका सिलेक्ट हो गया है, तो इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जिसको जिसको सिलेक्ट करना है स्केच में जाके यहाँ पे रीजन की जगह सिंगल ले लो। यहाँ पे देखो किस कर, किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेक एक्सटर्नल स्केच कर लेना, एक्सटर्नल स्केच आ जाएगा तो इसको हम डिलीट कर देंगे, कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे गया हूँ मैं रीजन बाउंड्री, ठीक है, रीजन बाउंड्री में 1 रीजन 2 रीजन, ठीक है, यहाँ पे इनको आपको हाइड करना पड़ेगा, रुको प्रीव्यू को हाइड कर दो, कौन से रीजन लेना है आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, रीजन से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें देखो, आप स्केच से भी कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है, 1 रीजन 2 रीजन, ठीक है, 3, इसको सिलेक्ट ही नहीं करा मैंने, देखो 4, 5, क्लियर हो गया। बहुत तरीका है एनएक्स में, ऐसे बहुत तरीका है काम करने के लिए, अगर सीखने के लिए आपको चाहो तो। यहाँ पे कंट्रोल एड करके लेयर को हाइड कर दिया हो, अब देखो ये आपका बन गया है, ठीक है ना, बन गया है ना, ये देखो ये वाला काट करना रह गया आपका, तो ये जो स्केच था इसको मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ। देखो कहाँ चला जा रहा है ये शो। अब इसके बाद अगेन जहाँ पे जो रह गया, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये रह गया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया और यहाँ यहाँ पे कट ऑफ कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एल कर दिया, उसको हाइड कर दूंगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज आप जो है समझ गए हो किस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, इसका नाम क्या है, कवर, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो मैं तरीका बताऊंगा सिंपल सिंपल कार्व से या 3D से, यहाँ से नहीं बताऊंगा, कुछ सरफेस से बताऊंगा, कुछ इसका अलग अलग अंदर का जो फीचर्स है उसका यूज करके बनाना सिखाऊंगा, तो हर एक तरीका बताऊंगा जो इसमें मैं मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर एक एक कमांड से बताऊंगा सारा काम एक्सक्लूड से रिवॉल्व से भी हो जाएगा, तो बाकी काम का क्या काम का आपको, तो सारा चीजें का यूज करके बनाना ही सही रहता है, ठीक है, तभी तो आपको खुलेगा, हाँ अच्छा इसके साथ ये भी कमांड यूज कर सकते हैं, इसके साथ ये भी कमांड, इस कमांड से इस तरीके से होता है, तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया मेरा, अब जो आते हैं हम लास्ट एक कमांड है जिसका नाम है शाफ्ट,
तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। इसको एकदम सिंपल तरीके से बना देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपली एक तो एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड का जो डायमीटर होगा, कितने का डायमीटर होगा, ये आपका डायमीटर बन के आ रहा है, कितना है, 1.45 का डायमीटर, ठीक है। 1.45 इसका डायमीटर ले लिया मैंने। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे, कितना mm, 24 mm का, जीरो मैं नान कर दो, 24 mm जो हमने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे हेड में एक कटआउट है, हेड को कटआउट को कैसे करोगे, रिवॉल्व से करना पड़ेगा आपको, रिवॉल्व तो यहाँ पे स्केच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं छोटा सा, चलो मैं सेंटर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल है जो यहाँ पे कट आउट होने वाला है, जो कट आउट है ये सेंटर से कितना है कट आउट जो है, इसको ऐसे ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके से कर लेना अब ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो कट आउट है, यहाँ से इसका जो डायमेंशन होने वाला है कितना है, 0.5 का है, ठीक है। और ये जो है 1.8 का है, 0.18 का है। और यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है, देखो कितना स्मार्ट है, किस तरीके से डायमेंशन कर रहा है, ये कितना है, 1.2 मतलब 0.6 का हो जाएगा, ठीक है, बन गया पूरा। अब इसको रिवॉल्व काट कर दो, रिवॉल्व यहाँ पे लेकिन काट करना पड़ेगा, काट के लिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, सेक्टर ये ले लेना और पॉइंट सेंटर पे ले लेना, बस ये हो गया आपका। अब देखो इसमें सारा चीजें हो गया, डी मार के देखो इसका डायमीटर कितना है, 0.725 मतलब 1.45 का हो गया, 24 का है, ठीक है। तो सारा चीजें सही है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसका नाम क्या करेंगे, शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका सारा चीजें जो है बन गया है। तो दोस्तों आई होप सारा चीजें आपको समझ में आ गया। अभी जो है हम इसकी असेंबली करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पूरा मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, यहाँ पे और कोई पार्ट नहीं है। हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया, स्टार्टिंग में हमने इसके असेंबली देखा, असेंबली देखने के बाद पहला कंपोनेंट हमने अपर हाउसिंग बनाया, फिर हमने लोअर हाउसिंग बनाया, फिर हम जो है इसकी ब्लोअर बनाया, फिर हमने इसकी मोटर बनाया, फिर हम जो इसकी कवर बनाए, फिर जो है हमने शाफ्ट बनाया। तो सारा चीज आपको खुद से बना लेना है, इसके बाद हम इसकी असेंबली करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, वीडियो दे दूंगा आपको या PDF दे दूंगा, सारा चीज देख के इसके बाद जरूर बना लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबली।